संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी से बात करेंगे, स्वागत है आपका संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी, क्या आपको लगता है बार बार हिजाब को लेकर जो विवाद हो रहा है, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स ओबीसी की तरफ से दी जा रही हैं, जानबूझकर वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश का माहौल और गर्म करने के लिए दी जा रही है? जी निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश जैसे बीते 4.5 साल में दंगों से मुक्त रहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खुशहाली है, सरकार से संतुष्ट है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति भय दिखाकर इस प्रकार की ओबीसी और समाजवादी पार्टी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये देश की स्थापित परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। जैसे हिजाब पहनने की बात करते हैं तो हमारा कानून कहता है कि जो चुनाव आयोग परमिशन देता है कि जिसमें फोटो लगी है, फोटो का मिलान होता है, उसी के आधार पर वोट देने के लिए जाने की बात कही जाती है। तो देश की परंपराओं की, नियमों की, कानूनों की उल्लंघन करने की बात कहकर ओबीसी साहब और उनकी सहयोगी, उनको साथ देने वाली समाजवादी पार्टी देश के संविधान की, परंपराओं की, नियमों की, कानून की अनदेखी करके मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश और अपने पक्ष में कोशिश करने की बात करती है, लेकिन वो कामयाब होने वाले नहीं। संजय जी, सीएम योगी भी 80-20 की लड़ाई की बात करते हैं कि ये चुनाव 80-20 का है, तो क्या इसको वाकई में 80-20 का बनाने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक ऐसे चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर ये वाकई में धरातल पर 80-20 है? नहीं, 80-20 नहीं, अब तो ये 90-10 है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है और समाजवादी पार्टी की साइकिल उड़कर जिस प्रकार से सैफई में जाकर खड़ी हो गई है, खुद अखिलेश जी के पिता जिनको उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से हटा दिया था, अब उनकी दुहाई देकर उनकी इज्जत की पगड़ी को करहल की चौखट पर जाकर रख दिया है, उनकी हालत इस प्रकार के है कि खुद अखिलेश का जीतना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई 80-20 की नहीं 90-10 की हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ खड़ी हो गई है और जो विपरीत विचारधारा के विपक्ष के दल हैं वो सिमटते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है इनकी हताशा, इनकी निराशा और बढ़ रही है। इस प्रकार के वक्तव्यों को देकर अपने बचे खुचे वोट बैंक को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता एकदम जाग गई है, जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा के पक्ष में खड़ी है और ऐसे बयानों का कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या आपको लगता है ओवैसी जिस तरीके से एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मुस्लिमों को लेकर या फिर हिजाब को लेकर, ये जो एक विशेष वर्ग का वोट बैंक है वो पूरी तरीके से उनकी तरफ जाएगा इससे? नहीं, निश्चित रूप से वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट किसी तरह से उनके पास आ जाए, क्योंकि इस चुनाव में जिन्ना की बात करके ओवैसी को आगे आने की छूट और केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने दी है।